नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेन चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड के बारे में। जी हां दोस्तों, जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है और जब से एक कंपनी लिस्ट हुई है, फंडामेंटल रूप से स्ट्रांग होने के बावजूद भी ये कंपनी जो है अभी तक उतना खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है जितना कि निवेशकों को उम्मीद थी। जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया था वो भी नाखुश हैं, और जिन लोगों को आईपीओ अलाट नहीं हुआ था और आईपीएल यानी इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड का आईपीओ लिस्ट होने के बाद जिन्होंने ख़रीदारी की थी, आज वो काफ़ी दुखी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को रिटेल निवेशक की जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, मैं आज उस पर जो है फोकस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, रिटेल निवेशक क्या चाहते हैं? रिटेल निवेशक हमेशा जो है क्विक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं। उनको अपना पोर्टफोलियो रेड कलर में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका पोर्टफोलियो हमेशा जो है ग्रीन रहे। लेकिन देखिए, स्टॉक मार्केट एक साल में 8 महीने 9 महीने आपके खिलाफ रहेगा। यदि आप मंथली ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो 45 दिन 90 दिन आपके विपरीत रहेगा, लेकिन मात्र से 2 से 3 दिन जो है आपके फेवर में होगा, और उसी 2-3 दिन में जो है आपका पूरा पैसा जो है 45 दिन जितना नुकसान में थे कवर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड में यदि आप लोग पिछले 2 महीनों से होल्ड कर परेशान हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूं कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब तक आप किसी कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक आपको डर लगा रहता है। लेकिन जब आप उस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लेते हैं, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जो थंबनेल में जैसा आप देख रहे हैं कि धधक रही चिंगारी, जी हाँ दोस्तों, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड में एक बड़े धमाके की तैयारी शुरू हो चुकी है, और मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे डेटा पॉइंट और ऐसे डेटा फैक्ट्स प्रस्तुत करूंगा जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि वाकई में इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड में चल क्या रहा है। बात करें आज के कारोबार की, तो 1.23% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ। तकरीबन 3.90 रुपये के साथ जो है आज स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। बहुत से लोग अभी भी 350 से लेकर 360 के लेवल पर फंसे हुए हैं। जब से ए आईपीओ लॉन्च हुआ है तब तक का आज तक का रिटर्न देखें तो तकरीबन 6.5% नेगेटिव में चल रहा है। यानी इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड का जो एआईपीओ है, जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लगातार जो है डाउन ट्रेंड में है, और अभी फिलहाल ये घाटे में चल रहा है। जिन जिन लोगों ने आईपीओ लॉन्च होने के बाद या आईपीओ के दिन ख़रीदारी की थी, लोगों को उम्मीद था कि जिस तरह डुडला डेयरी में लिस्टिंग गेन मिला, हम भी इस आईपीओ के लिस्ट होने के बाद खरीद लेते हैं, 10 से 15% मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन इसका पी रेशियो देखें इस कंपनी का, तो 27.23 रुपये है। वही सेक्टर का पी देखें तो 24.51 रुपये है, यानी थोड़ा सा महंगा है, यानी आप बोल सकते हैं कि इक्वल है। ये कंपनी इतनी अच्छी है, इतनी सॉलिड है कि इस कंपनी के बारे में जितनी भी डिस्कस की जाए कम है, क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर ही सब कुछ बयां कर देता है। आपको जो एक ग्राफ दिख रहा है, 2018 में 250.74 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जिसमें कंपनी ने 32.80 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। फिर 2019 में 346.04 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, उसमें कंपनी ने 43.91 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था। 2020 में कंपनी ने 489.73 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और उस समय कंपनी को 70.80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, नेट प्रॉफिट। और इस साल पिछले साल 2021 मार्च 2021 तक का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट रेवेन्यू भी डबल और प्रॉफिट भी डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का रिटर्न आप इक्विटी देखें, आरओसी देखें तो दमदार है। अब धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स ने भी इस शेयर को धीरे धीरे जो है निचले स्तर पर बाइंग करना शुरू कर दिया है। म्यूचुअल फंड्स की देखें तो 3.76% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक में अपनी बना ली है। वहीं यहां पर एफआईआई की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, तो एफआईआई ने 3.24% की होल्डिंग जो है इस शेयर में बना ली है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा फैक्ट्स है, चार्ट को आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि पिछले 1 महीने से इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड का जो शेयर है 300 से लेकर 330 रुपये के रेंज में फंसा हुआ है, और अभी पिछले कुछ हफ्तों से
एक दो हफ्तों से शेयर एक रेंज बाउंड में चल रहा है, ना तो ज़्यादा गिरावट ना तो ज़्यादा मोमेंटम, यानी स्टॉक जो है ठहरा हुआ है। और जैसे ही ये 330 रुपये का लेवल टच करेगा उसके बाद एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन का फेज है, नीचे वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम भी पिछले दो महीनों से जो है लगातार, पिछले दो महीनों में जो वॉल्यूम शांत था, आज वॉल्यूम पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी सीएस में वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि प्राइस मोमेंटम कैसी चल रही है। तो यदि प्राइस मोमेंटम के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वॉल्यूम को भी चेक कीजिए, आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी कि वाकई में इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड में यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है या नहीं। वहीं ऑल टाइम फ्रेम को देखें वन डे कैंडलस्टिक पर, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे यहाँ पर स्टॉक जो है यहाँ पर स्टेबल हो चुका है और यहाँ से यू कर्व बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो पहला इसका इनिशियल टारगेट होगा दोस्तों इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड का, वो होगा 350 रुपये, और जो दूसरा इसका रेजिस्टेंस लेवल और जो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 370 रुपये। जैसे ये 350 रुपये के ऊपर स्टेबल हुआ, फिर ये स्टॉक जो है आपको 400 रुपये के करीब जाता हुआ दिखेगा विद इन वन मंथ के अंदर। तो अभी ये स्टॉक जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, और पिछले दो महीनों से देखें तो धीरे धीरे लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो है देख रहे हैं बड़े बड़े जो कैंडल्स बन रहे हैं इस महीने में, सितंबर महीने में, तो यहाँ पर लोग जो है ख़रीदारी कर रहे हैं, जमकर ख़रीदारी की गई है। यानी अब बड़े प्लेयर्स ने अपनी एंट्री यहाँ पर ली है। यदि आप डीप में खरीदना चाहते हैं तो जब गिरावट हो 300 रुपये के लेवल पर आए तो आप जो है वहाँ पर दबाकर जो है फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। बात करें आज के कारोबार की तो 319 रुपये 45 पैसे से ओपन हुआ, 324 रुपये इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड ने आज अपने डे का हाई बनाया, 319 रुपये 40 पैसे इसका लो रहा, और 321 रुपये 55 पैसे पे आज इंडियन पेस्टिसाइड ने अपनी क्लोजिंग दी। और आज की बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर तो 333,807 की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड किए गए हैं, जिनमें से 146,140 की क्वांटिटी में शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। तकरीबन 43.78% के करीब में यहां पर माल उठाया गया है। तो जहां पर डिलीवरी पिछले दो हफ्ता पहले जहां पर 30%, 20%, 25% होती थी, अब धीरे धीरे डिलीवरी की मात्रा बढ़ रही है। यानी लोग जो है अब यहाँ पर माल उठाना चालू कर दिए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स ने जो है यहाँ पर माल उठाना चालू कर दिए हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ पर आपको 400 रुपये का लेवल इस साल के अंत तक जरूर देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। नए हैं जेके एरोटेक पर, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।